रविवार को रात्रि 9 बजे से रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के संयुक्त नेतृत्व में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची का औचक निरीक्षण किया गया। इस टीम में वर्तमान में पदस्थापित अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक सदर के अतिरिक्त 6 थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक कोतवाली सदर थाना, लोअर बाजार थाना, बरियातू थाना, सुखदेव नगर थाना तथा यातायात थाना प्रभारी कोतवाली भी शामिल थे। उक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त 140 पुरुष तथा 20 महिला आरक्षी भी शामिल रहे। अलग अलग 16 टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल तथा अस्पताल आदि की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। वहीं निरीक्षण के दौरान केंद्र कारा के जेलर और जेल सुपरिंटेंडेंट की उपस्थिति रही, जिससे उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने केंद्र कारा की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, रसोई घर तथा कैदी से मुलाकात की व्यवस्था आदि की जानकारी ली गई। बता दें, उक्त निरीक्षण आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के संदर्भ में किया गया। वहीं भविष्य में भी केंद्र कारा में औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा।